हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। अगर कई स्टेट हैं ऐसे जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है, रिजल्ट आते ही कई बच्चों का सपना है साइंस करने का, तो ये बहुत ही बेटर सपना है जो बच्चे साइंस से पढ़ना चाहते हैं और मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। कई बच्चे अलग अलग स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, सारे स्ट्रीम की हमें इज्जत करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अलग अलग एजुकेशन के लिए और अलग अलग जॉब्स के लिए, क्योंकि एक ही एजुकेशन सारे जॉब्स के लिए सफिशेंट नहीं होता है। तो अलग अलग चॉइसेस होते हैं, हर बच्चा अलग अलग होता है, कोई चाहता है कि कुछ आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, तो उनके अकॉर्डिंग अपने अपने सिलेक्शन होता है। सारे बच्चे सही हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। एंड चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 के पहला चैप्टर सेट्स। तो आज हम लोग सेट्स पर पहले बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या। चलिए इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एमएस धोनी, फिर देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ एक्सेप्ट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको देखो। अगर जो कोई बच्चे या कोई गर्ल्स या कोई बॉयज जो अगर क्रिकेट देखते हैं तो इनमें से इन सब का नाम उन्होंने सुना होगा। तो ये कौन से क्रिकेटर हैं? ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। हालांकि मैं क्रिकेट आप भी खेलते होंगे, आपके दोस्त भी खेलते होंगे, आपके भाई बहन भी खेलते होंगे क्रिकेट, लेकिन उनका नेम नहीं है। क्यों नहीं? वो भी एक क्रिकेट खेलते हैं पर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब क्या है? इनमें एक सिमिलरिटीज़ है। क्या सिमिलरिटीज़ है? कि ये या तो प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, या तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है यानी जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये सब के सब नेचुरल नंबर में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेट एक्चुअली है क्या। सेट है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी सिमिलर टाइप्स जो वेल डिफाइंड है, जिनके नाम लेते ही आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आया है, उनका कलेक्शन करने को हम बोलते हैं सेट। और इसको हमेशा किससे डिनोट करना है? इंग्लिश कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट को, और वो करली ब्रैकेट के अंदर में हमेशा रहेंगे। जब भी कोई सेट लिखेंगे उसके दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखा है वो उस सेट्स का एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उस सेट्स का एलिमेंट कहलाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो ये ही आपका डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। And it is denoted by always English capital letter A, B, C, etc. And its object written in curly brackets. Curly brackets आप जानते होंगे, जिसे हिंदी में मतलब ब्रैकेट कहते हैं, and are known as elements. कौन elements किसे कहते हैं? जो उस curly bracket के अंदर में object लिखते हैं। जैसे आपने अभी देखा नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अगर इनको ये क्या हो गया? Set of Prime Minister of India. यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सेट्स बना दिया आपने। लेकिन ये अगर इन सब नेम है तो इस सेट का क्या कहलाएंगे? ये इन सेट्स का एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये सब एक एक एलिमेंट हो गया। आपने देखा 1 2 3 4 5, हमने सिर्फ 5 तक लिखा अभी, तो 5 तक लिखा, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 यहाँ क्या कहलाएगा सेट के लिए? तो जैसे सपोज कर लीजिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कॉमा लगाते हैं, तो ये 1 क्या हो गया? 1 हो गया एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहलाएगा ये? एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिमिलरली 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ए है तो ए कहेंगे, बी होगा तो बी कहेंगे, डी होगा तो फिर डी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसका ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है? वेल डिफाइंड, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम आपको बोलेंगे कि सेट ऑफ गुड प्लेयर, तो आप किसका नाम लिखेंगे? हो सकता है कोई कहे सचिन तेंदुलकर, दूसरा कहे नहीं यार सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, पर हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी, पर कोई ऐसा कह सकता है क्योंकि अपना अपना चॉइस होती है। कोई कह सकता है महेंद्र सिंह धोनी, कोई कहेगा नहीं यार महेंद्र सिंह धोनी ठीक नहीं है, पर हैं तो ग्रेट खिलाड़ी, पर कोई नहीं भी कह सकता। जिसमें कन्फ्यूजन हो, कोई हाँ कहे कोई ना कहे, हम उसे सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। सेट में उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेंगे जिसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने कह दिया द नेम ऑफ चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक, क्लास 9th के मैथमेटिक्स बुक के चैप्टर का नेम, तो ये सेट है, बिल्कुल सेट है, क्योंकि वहाँ कोई लाइफ प्रोसेस नहीं कहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के बुक में लाइफ प्रोसेस कोई चैप्टर है ही नहीं, तो कोई नहीं कहेगा, हर कोई इससे डिनाई करेंगे। तो कोई कहेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बिल्कुल हर कोई मानेगा हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
ट्रायंगल्स, तो हाँ ये चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर है, हर कोई मानेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, तो उसको बोलेंगे सेट, जहाँ पे किसी चीज तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सेट है और कौन नहीं है। तो लिखा हुआ है द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट का नेम सेट है या नहीं, तो हम आपसे पूछते हैं, रांची स्टेट है, जयपुर स्टेट है, लखनऊ स्टेट है, नहीं है ना, तो ये बोलेंगे नहीं ये स्टेट नहीं है, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं है, आपने कंसीडर कर लिया नहीं नहीं ये स्टेट नहीं है, ये तो सारे सिटीज़ हैं। हमने बोला राजस्थान, आप बोलेंगे यस, झारखंड यस, बिहार यस, उत्तर प्रदेश यस, मध्य प्रदेश यस, त्रिपुरा यस, तो ये सारे सेट हैं, यानी नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये क्या हो गया, ये सेट है, तो लिखेंगे दिस इज अ सेट। ठीक है, कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं करेंटली, ये एक आपके जीके का क्वेश्चन हो गया। फिर है नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कंट्रीज, यानी दुनिया में जितनी सारे कंट्रीज हैं उनका कैपिटल, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करते हैं, चूँकि हम लोग इंडिया में हैं तो ऑब्वियसली बड़े आसानी से देख लेंगे, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कैपिटल कहाँ है आप बताएंगे, दिल्ली। तो ये कन्फ्यूज़न है किसी के लिए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया का कैपिटल कोई हैदराबाद नहीं कहेगा, इंडिया का कैपिटल कोई जयपुर नहीं कहेगा, इंडिया के कैपिटल कोई बिहार नहीं कहेगा, क्योंकि बिहार कैपिटल नहीं है, तो जो कैपिटल है बिल्कुल आप उसे कहते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है। तो उनका नेम को अगर हम लोग एक करले ब्रैकेट के अंदर में बंद कर दें तो ये कैपिटल है। आगे बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट पे, वो टाइप्स ऑफ सेट पे जब बात करेंगे तब हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, नेम ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड, झारखंड के रिवर्स का नेम, तो झारखंड में कोई पर्टिकुलर रिवर होंगे जैसे 2, 4, 8, 10, 11, 50, 100, उन्हीं का नेम लिखेंगे, तो ये एक सेट है। लेकिन हमने कह दिया कि नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, तो जो सबसे दुनिया की सबसे लंबी रिवर है उसका नाम, तो वो भी एक सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया नेम ऑफ रिवर्स विच इज लॉन्ग, तो जो लंबा है, किसी बच्चे को लग रहा होगा तो 10 किलोमीटर भी तो लंबा होता है, ये भी सेट है। किसी को लग रहा है नहीं नहीं 10 किलोमीटर लंबा नहीं है, इसको हम सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया कि नेम ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के रिवर्स के नेम, तो हाँ बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि झारखंड में जितने भी रिवर्स है उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि गंगा हम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि गंगा इज नॉट अ रिवर ऑफ झारखंड, गंगा झारखंड की रिवर नहीं है, क्योंकि झारखंड से होकर के नहीं बहती है। तो इस तरह से जो भी रिवर्स है, जैसे हमने सोन कह दिया, कोयल कह दिया, और ऐसे कई रिवर्स है, केवाल कह दिया, बांकी कह दिया, ये सब झारखंड के रिवर्स है, तो ये एक सेट हो जाएगा। नेम ऑफ स्टेट्स, क्या स्टेट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के स्टेट्स के कैपिटल का नाम, रांची, तो यस रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, जयपुर यस जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, भोपाल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये हम लोग पर्टिकुलर सिटी का नाम लिख रहे हैं और जान रहे हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड सॉरी हरियाणा एंड पंजाब, तो ये उन्हीं सिटी का नाम लिख रहे हैं जो कैपिटल है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, तो ये सारे कैपिटल हैं, तो हम इनको लिख देते हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि आप डाल्टनगंज नहीं लिख सकते, टोंक नहीं लिख सकते, आप उदयपुर नहीं लिख सकते, क्योंकि उदयपुर कैपिटल नहीं है। इस वजह से जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो उसे सेट में कंसिडर नहीं करें, जो वेल डिफाइंड हो, बिल्कुल नेम लेते ही क्लियर हो जाए, उसे हम सेट में कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।